नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले यहां पर मैं बता दूं कि ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है ये डेली बेसिस पे आएगा। ओके, तो अभी दो एडिटोरियल एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे, और जो पहले वाला है द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस, उसकी टाइमिंग 7:30 है। तो 7:30 वो डेली बेसिस पे आएगा, और इसके बाद यहाँ पर 10 बजे के आसपास, 10:15 के आसपास जो ना द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, वो भी आपको अवेलेबल हो जाया करेगा डेली बेसिस पे। और दोनों के दोनों एडिटोरियल एनालिसिस पे हमारा जो कंप्लीट फोकस होगा वो एडिटोरियल के ऊपर ही होगा। ओके, एडिटोरियल्स जो होते हैं ना, देखो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई भी यहाँ पर दुर्घटना घटी है या फिर कोई भी इंसिडेंस कोई भी सरकार के द्वारा लिया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल छपते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पब्लिश हो गया तो आज हो गया, तो किसी दूसरे में वो 4 दिन बाद होता है। ओके, तो अभी इससे अगर दोनों का समय लेकर आप चलोगे ना, तो आपको ये फायदा रहेगा कि जो टॉपिक कुछ 4 दिन बाद आ रहे हैं, 5 दिन बाद आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपको साथ ही साथ यहाँ आपको मिल जाए डिस्कस करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा है कि कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिल सकती है अगर दोनों को कंबाइन करके चलोगे आप। तो यहाँ पर इसीलिए दोनों एडिटोरियल एनालिसिस लेकर आए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें भी काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो कृपया इसको भी कंप्लीटली थॉरो लेक्चर को देखा करें, बहुत कुछ नया जानने को आपको सीखने को मिलेगा। और शेयर क्या करें इस इन लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। तो अभी ये दो एडिटोरियल्स हैं, दो एडिटोरियल्स पेज हैं, पेज नंबर 6 है और पेज नंबर 7 है। तो यही यहाँ पर दो पेजेस होते हैं जिसमें एडिटोरियल पब्लिश होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। और ये फर्स्ट पेज में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अनवॉरंटेड अरेस्ट है, मतलब बिना मतलब के आप जो अरेस्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर एक केस हुआ है आंध्र प्रदेश में, उसकी उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरा यहाँ पर एडिटोरियल यहाँ पर बात की जा रही है कि अवॉइडिंग ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर क्या मतलब है इस बात का कहने का, तो यहाँ पर सीधी सीधे बात की जा रही है जीएसटी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि वेस्ट एशिया के जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उनके आपस में डिप्लोमेटिक टाइज कैसे बनते जा रहे हैं, कैसे रीसेट हो रहे हैं दोबारा, पहले क्या थे अब क्या बनते जा रहे हैं, क्या इस पे रीजन है, उसके ऊपर डिटेल चर्चा है, इसके प्रॉपर मैप देखेंगे एक्चुअल में जो यहाँ पर सिचुएशन है उसको डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर COVID-19 के जो मतलब केसेस है उनकी बात की जा रही है, तो इस एडिटोरियल को अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो इसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक टाइम्स में जितना मैंने बताया था उतना काफी है अभी। ओके, तो अभी आगे बात करें तो यहाँ पर राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है। ओके, जो जैसे कल हमने वोमेन वर्कर्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर आज भी यह जहाँ मतलब काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर इस एडिटोरियल में की गई है, थोड़ा अलग है एडिटोरियल। और इसके अलावा ट्रिप्स वेवर के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर WTO में जो यहाँ पर बात की जा रही है ट्रिप्स को वेव ऑफ करो, कल भी डिस्कस किया था, आज और इसका एनालिसिस हम करेंगे। और लास्ट में जो यहाँ पर एडिटोरियल है, तो यहाँ पर बात करें जो स्पेनिश फ्लू आया था उससे हमने क्या सीखा। तो स्पेनिश फ्लू अभी इसके बारे में जानेंगे। अब देखो अभी जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग में पुरानी हिस्ट्री भी अगर आपको पता होगी ना, तो आपका आंसर की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे बढ़िया बन सकता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं इस पहले एडिटोरियल से। तो अभी पहले एडिटोरियल में बात कर रहे हैं, अनवॉरंटेड अरेस्ट द कैजुअल रिसॉर्ट बाय द पुलिस टू द सेडिशन क्लॉज कंटिन्यूज टू कॉज कंसर्न। मतलब जो पुलिस है ना, लगातार जो देशद्रोह के चार्जेस है ना वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है, अगर किसी को उठाकर जेल में डाल रहा है तो। अभी उसी को ऑथर बात करेगी, लगातार ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जो कि चिंता का विषय है, सही नहीं है ऐसा कि बिना मतलब के आप जो है अरेस्ट करना शुरू कर दो किसी के ऊपर भी देशद्रोह का चार्ज लगाकर। यहाँ पर शुरुआत में बात करेगी अभी के रघु रामकृष्ण राजू की बात करें, जिनको की हाल ही में अरेस्ट किया गया है। तो ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आंध्र प्रदेश में से, और इनके ऊपर यहाँ पर भीषण चार्ज लगाए गए हैं सेडिशन के, देशद्रोह के। तो यहाँ पर एक और इंस्टेंस जो है अभी देखने को मिल रहा है कि हमने जो प्रोविजन हमें मिली हुई है जो यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस के रिगार्डिंग, तो उसका जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो अभी जो अगर अपने बात रख रहा है ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सामने, मतलब गवर्नमेंट की नीतियों के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर वो अपनी बात भी रख रहा है इस मतलब इसी चार्ज के ऊपर उसको यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर सेडिशन का चार्ज लगा। तो ये सही बातें नहीं है कि अगर ये तो सीधी सीधी वही बात होगी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप उसको जो है हानि पहुंचा रहे हो।
वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, बोल के क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाकर उसको जेल में डाल दोगे। तो यहाँ पर बात करें तो अभी बहुत से राज्यों में पुलिस ऐसा काम कर रही है। तो ऐसे मतलब जैसे यूपी की बात कर लो, अगर उसके अलावा दिल्ली की बात कर लो, तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस ऐसे मतलब काम कर चुकी है। जैसे हमने कल भी एक इंसिडेंस पढ़ा था कि पोस्टर लगाए गए हैं दिल्ली की दीवारों पर, इसके चलते यहाँ पर 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 21 लोगों के ऊपर यहाँ पर FIR दर्ज की हुई है पुलिस ने, तो उनके ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगाया हुआ है। ओके, तो अभी ये जो सेडिशन का ऑफेंस है, इसको यहाँ पर देखा जाता है हमारे जो इंडियन पिनल कोड है उसका सेक्शन 124A के तहत। ओके, तो अभी ये क्या बात है, इसके मतलब रिगार्डिंग जो बात की जा रही है ना, उसके बिल्कुल उलट काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है, यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमुख तौर पर यहाँ पर जो असंतुष्ट है सरकार की गतिविधियों से, तो उसके ऊपर ये सेक्शन 124A IPC का लगाकर उसको उठाया जा रहा है। तो अभी आगे बात करें, अभी सरप्राइजिंग मतलब कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि अभी जो मिस्टर राजू है, जो कि एक वोकल मतलब जुबानी तौर पर जो है वो डिट्रैक्टर रहे, आलोचक रहे आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उनके तो अभी उनके ऊपर ये अभियान चलाया गया, तो उनको अभी ये उठाया गया है सेडिशन चार्ज लगा के। तो ऑथर यहाँ पर बात करें कि उनकी जो अरेस्ट है बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई बात हो रहा है, मतलब कोई बात कह रहा है, जुबान से बात कह रहे, तो अभी स्पीच बेस्ड आप किसी को यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उसने यहाँ पर कोई ऑफेंस कर लिया, कोई अपराध कर लिया। ओके, तो आप उसी के चलते जो है ना, आप उसको अक्यूज नहीं कर सकते, उसको दोषी नहीं मान सकते। ओके, तो ये ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो वो अपनी ही पार्टी का उनके CM है जगनमोहन रेड्डी, जिसको कि वो यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके, तो अपनी ही पार्टी के लीडर है जिसको ये बात कहते जो है क्रिटिसाइज करते रह रहे हैं, उनके जो गतिविधियां, काम करने का तरीका उसके चलते, और सिर्फ यहाँ पर स्पीच के रिलेटेड जो है ना, उसको ऑफेंस नहीं माना जा सकता। और इसी के चलते आगे बात करें कि सेक्शन 153A और सेक्शन 505, जो हमारा IPC के ये दो सेक्शन है, कि इनके तहत यहाँ पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना, उनको अरेस्ट किया जाना, क्या यहाँ पर ये सही था? ओके, तो अभी ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं, ओके, तो यहाँ पर इसके तहत कोई भी अपराध अगर होता है, तो यहाँ पर जेल टर्म है ना, तो यहाँ पर वो 3 साल की लगभग यहाँ पर है कि मतलब इन एक्ट के तहत, इन IPC के कोड के तहत अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, 3 साल तक यहाँ पर कैद होनी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, हाल ही में अरनेश कुमार रूलिंग 2014, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला सुनाया था, जिसको कि अभी इम्प्लीमेंट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि अभी कोई जरूरत नहीं है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की, अगर यहाँ पर कोई कोई भी उसने अगर अपराध किया जिसकी सजा जो है ना यहाँ पर 7 साल से कम बनती है। ओके, तो यहाँ 7 साल की है या फिर उससे कम है, तो उसको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो लेक्चर बनाया था, जिसमें कि कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएट रिलीज करो प्रिजनर्स को जेलों में से। ओके, तो उन प्रिजनर्स को यहाँ पर रिलीज किया गया जो कि पिछले साल भी जिनको पैरोल पे निकाला गया था, तो उनको अभी फिर निकालो। क्यों? क्योंकि जेल में ना यहाँ पर कंजेशन है, मतलब कि यहाँ पर जेलें तंग हैं और यहाँ पर अमाउंट ज्यादा है लोगों की, तो वायरस फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और राइट टू लाइफ की अगर बात करें, तो हमारा संविधान सबको राइट टू लाइफ की यहाँ पर जो सुविधा देता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, उसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जेल अथॉरिटीज को कहा कि आप इनको पैरोल पर बाहर निकालिए। और ये भी कहा कि यहाँ पर अगर कोई अरेस्ट, आप परहेज करें कि मतलब किसी नए बंदे को अरेस्ट नहीं करें। ओके, एक और यहाँ पर प्रिजन्स को यहाँ पर खाली किया जा रहा है, और दूसरी और अगर पुलिस दोबारा से ऐसे जेलें भरी जाएगी, तो फिर बात तो वही आ गई ना। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर बचाव रखें, और यहाँ अगर 7 साल और 7 साल से कम की यहाँ पर किसी अपराध के तहत सजा हो रही है, तो कोशिश करें कि उस बंदे को अरेस्ट अभी नहीं करें। ओके, तो यहाँ पर ये सिर्फ साफ कंडीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी बता दी जा चुकी। फिर भी यहाँ पर जो है ना, मतलब दोबारा से फिर जो है सडिशन के जो चार्जेस हैं, मतलब ये लगाए जा रहे हैं। तो अगर सडिशन की बात करें, तो इसमें यहाँ पर मैक्सिमम जो सेंटेंस है ना, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, मतलब कि उम्र कैद की सजा होती है जब यहाँ पर सडिशन का चार्ज लगता है किसी के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ पर अल्टरनेटिव यहाँ पर जेल टर्म भी होता है 3 सालों का। तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है इसके रिगार्डिंग। तो इसी के चलते जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको यहाँ पर पता है कि मतलब कि ज्यादातर उनको इसीलिए जाना जाता है कि मतलब कि हर कोई जो है ना, इसी यहाँ पर सेक्शन को उठाकर IPC के, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और इसी के चलते पता चलता है कि किस तरीके से हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है ना, वो कानून की समझ रखते हैं, और सिर्फ इसलिए यहाँ पर उसको यूज किया जाता है कि मतलब अपने हमने सिचुएशन को कंट्रोल करना है, लेकिन मतलब कुछ बनता नहीं है। यहाँ पर बात कुछ और होती है, लेकिन चार्जेस कुछ और लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो वही बात कर रहे हैं कि कितने पुअर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सिविल सर्वेंट्स की है, तो वो पता चल रही है। तो यहाँ पर
एक्चुअली मैं अगर बात करें, जब भी हम सडिशन का चार्ज किसी पे लगाते हैं, ये वाला सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, तो उसका मतलब ये होता है, ये तब लागू करते हैं जब पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी, पुलिस के हाथों से निकल चुकी है, और एक्चुअली में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस हो गया है, तो यहाँ पर होने के चांसेस है, तब जाकर जो है ये वाला देशद्रोह का यहाँ पर चार्ज लगाया जाता है लोगों के ऊपर। लेकिन ज्यादातर जो आजकल केसेस पाए जा रहे हैं उसमें तो ये इंग्रेडिएंट्स मिस है, मतलब पता ही नहीं, मतलब ये बेस है ही नहीं। उसने अगर किसी ने स्पीच दे दी, खराब बोल दिया, अगर क्रिटिसाइज कर दिया, तब भी उठाकर यहाँ पर उसको जेल में डाल दिया जा रहा है सेडिशन का चार्ज लगाकर। तो ये मतलब एक्चुअल में ये डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें कि सेडिशन चार्जेस क्या होते हैं, ओके, तो अभी अगर देशद्रोह एक्चुअल में किसी ने किया है, ओके, तो मतलब डिसअफेक्शन का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर हम डिसअफेक्शन समझे, ये नहीं है कि मतलब सरकार के साथ उसका डिसअफेक्शन है, कुछ बोला तो उसको उठा दी, डिसअफेक्शन मतलब उसमें यहाँ पर देशद्रोह की भावना जगी है, फीलिंग्स है शत्रुता की, मतलब हमारे देश के खिलाफ जाकर काम करेगा, और जहां पर हमारे देश के खिलाफ काम किया है, ओके, तो तब जाकर हम जो है ना ऐसे चार्जेस लगाते हैं। तो हमें अभी जरूरत है कि अभी टोटल रिकंसिडरेशन किया जाए इस सिचुएशन का, जिसका कि अभी नाजायज फायदा उठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और यहाँ पर एडिटोरियल 2 में अभी बात की जा रही है, अवॉइडिंग ब्रेक डाउन द मच डिलेड कन्वीनिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल कम्स एट ए क्रिटिकल जंक्शन। तो अभी देखो, जीएसटी काउंसिल होती है जिसमें कि सभी राज्यों के यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बैठते हैं आकर, तो हमारे जो केंद्र की फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसको लीड करती है, वो चेयरमैन होती है जीएसटी काउंसिल की। तो यहाँ पर इस मीटिंग में सभी राज्यों से यहाँ पर बातचीत होती है कि क्या फर्दर जो है हमारी टीम इंडिया, इसको टीम इंडिया भी बोलते हैं, ओके, जब हमारे यहाँ पर सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर बैठती हैं, तो कैसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है ना वो लगाकर चले, किन किन मामलों के ऊपर फोकस किया जाए। राज्य अपनी शिकायतें रखते हैं कि हमें ये चीज नहीं मिली, ओके, हमें यहाँ पर जो है काम चाहिए था, हमें जीएसटी वापस चाहिए था, मतलब जो भी ये चीजें हैं। फर्दर कोई भी डिसीजन लेना है कि किसी किसी दायरे को अगर जीएसटी के अंदर लाना है या नहीं आना है, तो ये सभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है वहां पर तय होता है, ओके। तो अभी अभी देखो 7 महीने गुजर चुके हैं, तो अभी 7 महीने के गैप के बाद जो है ना अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी 28 मई को। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है, उन्होंने अभी पिछले शनिवार को ये चीज अनाउंस की है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी जल्दी, ओके। तो अभी यहाँ पर वैसे जो सिचुएशन ऐसी होती है कि हर क्वार्टर के बाद यहाँ पर इनको एक मीटिंग करनी होती है, मतलब हर एक 3 महीने के बाद, 3 महीने गुजर जाने के बाद इनको एक मीटिंग बैठानी होती है, ओके, जिसमें यहाँ पर कि अभी काफी पिछले लंबे समय से एक पॉज लगा हुआ है, रुकी हुई है पिछले 7 महीनों से। तो ये यहाँ पर अच्छी मिसाल नहीं है, ओके, अगर हम यहाँ पर किसी के सामने मिसाल पेश करें तो ये कोई अच्छी फंक्शनिंग की मिसाल नहीं है कि हमने अच्छे तरीके से काम करके दिखाया है। क्योंकि राज्यों को अगर एक साइड पे कर दिया जाता है ना, तो राज्य अगर प्रगति करेंगे तभी देश प्रगत होगा, मतलब तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो राज्यों की जब सुनी नहीं जाएगी तो फिर कहाँ, किस और जाएंगे हम। यहाँ पर वही बात करें कि यहाँ पर बहुत सारी बार जो भारत के राज्य है ना, अलग अलग राज्य, उन्होंने यहाँ पर कॉल दी है कि यहाँ पर जो है ना काउंसिल की जो मीट है वो बुलाई जाए, पिछले जो महीने गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको इग्नोर किया गया, भारत सरकार के द्वारा इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि असेंबली पोल्स आ रहे हैं, अभी देखो इलेक्शंस हो रहे हैं, पहले बिहार का इलेक्शन हुआ नवंबर दिसंबर में 2020 में, अभी यहाँ पर 5 राज्यों के इलेक्शन अभी होकर हटे हैं, 2 मई को रिजल्ट आया, तो अभी जिसके चलते यहाँ पर ये बात ही कही गई जिसके चलते अभी मीटिंग नहीं हो सकती, ओके। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अभी थोड़ा सा अभी इक्वेशंस बदलते हुए नजर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। अभी 5 राज्यों में से एक राज्य में ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, बाकी सभी राज्यों में जो है जो गैर बीजेपी की सरकारें वो बनी हैं, और इसके अलावा एक यूटी है जहां पर बीजेपी की कॉलिशन में सरकार बनी है, तो वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी में पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई है, अभी बीजेपी ने कॉलिशन में सरकार बनाई है, ओके। तो एक पुडुचेरी होगी, दूसरा आसाम, जिसमें जहां पर जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। तो अभी बात करें कि अभी जो री इलेक्टेड यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स बनी है, तो यहाँ पर जैसे बड़ा राज्य है एक जिसका नाम है तमिलनाडु, तो हम अगर कहें कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन के हिसाब से काम करेगा, तो अभी हम ये एक्सपेक्टेशन उससे नहीं लगा सकते, वो अपने हिसाब से अभी काम करेंगे, ओके। तो अभी जो काउंसिल की बात करें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े काम है जो पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर काम करे जाना जरूरी था, मीटिंग बुलाई जानी जरूरी थी, लेकिन जो काम नहीं हो पाया अभी पेंडिंग, उसको अभी उसके ऊपर फोकस करना होगा। तो ज्यादातर यहाँ पर जो काम पेंडिंग है वो स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ओके, स्टेट्स के ही रिगार्डिंग है, ओके। तो अभी जो है ना यहाँ पर जरूरत है कि यहाँ पर क्लैरिटी दी जाए जल्द से जल्द, यहाँ पर जो भी, यहाँ जिस तरीके से भी यहाँ पर जीएसटी के रिगार्डिंग बातचीत होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे यहाँ पर बात करें कि 63,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन है
जो कि राज्य मांग रहे हैं कि हमें ये कंपनसेशन हमें दी जाए। अभी ये ड्यू है, मतलब अभी तक ये दी नहीं गई है। ओके, तो अभी जो इस साल का ड्यू है उसमें ही यहाँ पर ये बात करें कि उसमें भी आप शामिल कर लो तो 63,000 करोड़ का अभी जीएसटी ड्यू है। तो अभी जितने हमारे राज्य हैं ना उनको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अमाउंट जाएगी इसमें से। ओके, तो अभी जब मैं पिछले साल की बात करूँ तो 2020 की बात करूँ तो जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसा सिनेरियो आ गया था कि जीएसटी कलेक्शन में काफी गिरावट आ गई। तो जीएसटी कलेक्शन में काफी गिरावट आ गई तो जीएसटी जो जब बनाया गया था ना उस समय यही तय हुआ था कि जितना भी जीएसटी कलेक्शन होगा तो उसका जितना भी यहाँ पर हिस्सा बनता है राज्यों का वो राज्य को दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई केस बनता है कि जब सिचुएशन खराब हो गई तो यहाँ पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरुआत में क्या किया, उसने कहा राज्य को कह दिया कि जितना आपको पैसा चाहिए हम कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि जीएसटी की कलेक्शन बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है, तो आप अपने अपने राज्यों में से ही मार्केट से पैसा उठा लें। ओके, तो फिर बाद में फिर इसी के ऊपर रिव्यू किया गया कि अगर यहाँ पर राज्य पैसा उठाते हैं मार्केट से तो इनको महंगा पड़ेगा, इनको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा। अगर यहाँ पर केंद्र सरकार उठाती है तो इसकी लायबिलिटी ज्यादा है और इसको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। तो अगर ये उठाकर पैसा दे देती है राज्यों को जितना भी जीएसटी के कंपनसेशन के रूप में चाहिए तब सही रहेगा। तब भारत सरकार ने ऐसा ही किया, यहाँ पर खुद से पैसा उठाया और यहाँ पर 6-6 हज़ार करोड़ की जो किस्तें थी उस तरीके से हर हफ्ते यहाँ पर पैसे देने शुरू कर दिए अलग अलग राज्यों को जो उनका जीएसटी कंपनसेशन बनता था। ओके, जैसे आप जीएसटी पे करते हो उसमें साफ लिखा होता है कि आधा जीएसटी जो है वो सीजीएसटी है, आधा जीएसटी एसजीएसटी है जो कि राज्य सरकार के पास जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहली अमाउंट जो है केंद्र सरकार के पास जाती है, बाद में यहाँ पर टोटल पैसा इकट्ठा करके जीएसटी का कंपनसेशन राज्य को दिया जाता है। अभी वो 63,000 करोड़ का जीएसटी अभी पेंडिंग है। ओके, तो अभी इसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन होगी। तो ये पिछले साल का भी इसमें कुछ पेंडिंग है और इस साल का भी यहाँ पर पेंडिंग, दोनों को मिलाकर बात की जा रही है। और यहाँ पर जो कैश फ्लो विजिबिलिटी है तो वो जो है मतलब काम को सही कर सकती है। कैश अगर मिलता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, अगर पर्याप्त पैसा मिल जाता है तो सिचुएशन सही हो सकती है। तो उसी पैसे को वो यूज करके COVID-19 की जो वेव उठ रही है उसको काबू पा सकते हैं, वैक्सीन को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो पैसा हो तो वो सीधे डायरेक्ट जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं बाहर से वैक्सीन को। और सबसे यहाँ पर जो बड़ी प्रेसिंग डिमांड निकल कर आ रही है वो है कि जीएसटी को जो है ड्रॉप किया जाए ऑन मटेरियल टू बैटल द पैंडमिक, मतलब जो भी सामान पैंडमिक की लड़ाई करने के लिए हमें जरूरी है उसके ऊपर जीएसटी को हटाया जाए। तो ये डिमांड यहाँ पर उठ रही है ज्यादातर राज्यों में से। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उनके ऊपर 12% का आपने टैक्स लगाया हुआ तो वो हटाएं, और इसके अलावा 5% का टैक्स जो है वैक्सीन के ऊपर लगाया हुआ तो इसको भी हटाएं, ये भी डिमांड है। ओके, तो यहाँ पर जो भी रिलीफ सप्लाई यहाँ पर बाहर से आ रही है तो उस मतलब कि जो बाहर से यहाँ पर सामान आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह आप हटा दें, सप्लाई रिलीफ हो जाएगी और मतलब सस्ता सामान आगे पहुंचेगा और कंज्यूमर को ही फायदा होगा। और आगे यहाँ पर जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बिलीव कर रहे हैं जो सोल्यूशन जो है ना हो सकता है यहाँ पर अगर पॉसिबल यही है, जीएसटी बर्डन जो है वो कम हो सकता है। ओके, टू रिड्यूस जीएसटी बर्डन, ये यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जीएसटी बर्डन कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों के ऊपर जीएसटी लगाया उसको थोड़ा कम करें। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। तो उसके अलावा बात करेंगे सेंटर ने क्या अभी कहा, सेंटर है ड्रॉप द जीएसटी ऑन सैनिटरी नैपकिन आफ्टर स्ट्रांगली डिफेंडिंग द टैक्स। ओके, तो अभी जो नैपकिन होते हैं सैनिटरी नैपकिन उसके ऊपर यहाँ पर जीएसटी को ड्रॉप किया है। ओके, जिसके अलावा हालांकि इन्होंने इसको डिफेंड किया था कि हम टैक्सेस को हटाएंगे नहीं, टैक्सेस को, फिर भी यहाँ पर हटाया है इन्होंने। और यहाँ पर अभी इनको चिंता जो है वो ये है कि चीप इम्पोर्ट्स, ओके, सस्ते इम्पोर्ट्स यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर बात करें विद वन स्टेटेड वरी बींग चीप इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पर बड़ी सीधी सी बात की जा रही है कि जो इम्पोर्ट है वो सस्ते हो जाएंगे। तो अगर इम्पोर्ट सस्ते होते हैं तो फिर यहाँ पर यह चिंता की ऐसी कोई बात कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन उठता है। तो देखो अगर किसी भी चीज का इम्पोर्ट सस्ता कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादातर इकोनॉमी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इम्पोर्ट ही करेगी, इम्पोर्ट के ऊपर ही फोकस करना शुरू कर देगी। ओके, मतलब कि देखो अब खुद मैन्युफैक्चर करना है तो हो सकता है कि उस मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट आ जाए, ज्यादा यहाँ पर मैन पावर की जरूरत हो। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर किसी भी चीज को जीएसटी अगर उस पर ड्रॉप किया जाता है तो वो सस्ती होगी और यहाँ पर उसके इम्पोर्ट भी बढ़ जाएंगे। तो इम्पोर्टर बढ़ जाएंगे तो जितना इम्पोर्ट बढ़ेगा तो उतना हमारा करेंसी के ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ पर भारत सरकार डिफेंड करती रहती है। और यहाँ पर अगर उस कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जीएसटी को आप जो है हटा दिए जाए तो 100 बार सोचती है, अगर फिर जाके जो है अपना फैसला लेती है अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसके हिसाब से। अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, वैक्सीन जो है, इसके ऊपर जीएसटी हटाएं, तो अभी इसके ऊपर भी विचार की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो आ चुकी है कि मतलब अगर ये करते हैं तो मतलब ये टफ ही रहेगा, एक आसान मेजर नहीं है।
इसको भी भारत सरकार अभी डिफेंड ही कर रही है। और आगे यहां पर बात कर रहे हैं कि जो अगर वैक्सीन की बात करें, जो इनकी क्रिटिकल सप्लाईज की बात करें, तो यहाँ पर जितने इम्पोर्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पर उस हिसाब से फायदा रहेगा। तो ये ऑथर अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि अभी जरूरत है इन सब चीजों की। तो दूसरी ओर जो जीएसटी रेवेन्यू है, तो वो भी जो है अच्छे तरीके से शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर जहां पर भी गलती है, उस गलती को सही करें। तो जो यहाँ पर पीछे गलतियां हम कर चुके हैं, तो उसको दोबारा ना दोहराएं। तो यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पर जो COVID-19 एक्सपेंसेस है, तो उसके ऊपर जो जो ना मतलब किसी चीज की यहाँ पर आनाकानी हम नहीं कर सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पर श्योर करना होगा कि उसके ऊपर खर्चा हम करें। तो यहाँ पर तो वो जो सोर्स रेवेन्यू ही है, जो मतलब पैसा आपके पास आया, उसी को यूज करके ही आप आगे कर सकते हो। तो उसको सही तरीके से अगर आप बांट देते हो रेवेन्यू को, तो तभी जो है राज्य भी सही तरीके से सशक्त हो पाएंगे, वो काम कर पाएंगे। तो अभी देखिए, जीएसटी के अंतर्गत सिर्फ चार चीजें हैं जिसके चलते जो है राज्य पैसा जुटाते हैं अपने दम पर। तो उसमें यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है अल्कोहल, दूसरी चीज आ जाती है रियल एस्टेट, और तीसरी चीज यहाँ पर आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और पांचवी चीज यहाँ पर आ जाती है पेट्रोलियम। जो अभी आप पेट्रोल डीजल के दाम भी देखते हो, हर एक राज्य में, हर एक यूटी में अलग अलग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसी राज्य या किसी यूटी ने कितना यहाँ पर टैक्स लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगा रही है, ओके, तो राज्य सरकार अलग से टैक्स लगा रही है, इसलिए यहाँ पर इतना प्राइस राइज हो जाता है पेट्रोल और डीजल का। एक्चुअल में जो इनके प्राइसेस बनते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो क्रूड ऑयल की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, वहां पर क्या प्राइस चल रहा है जो है प्रति बैरल, ओके। तो यहाँ पर एक बैरल में 158 लीटर के आसपास क्रूड ऑयल होता है, ओके। तो उसको यहाँ पर हम खरीदते हैं अभी 50 से 60 रुपए, जो है ना, $60 जो है एक प्रति बैरल के लिए हम यहाँ पर पे करते हैं। उसको फिर लाया जाता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं हम अपनी रिफाइनरीज में, फिर आगे जो है उसको आगे फर्दर जो है आगे भेजते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो अभी ये वाला एडिटोरियल जो है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। तो अभी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द बाइडन पुश बटन टू वेस्ट एशिया डिप्लोमेटिक रिसेट्स अनप्रेसिडेंटेड इंटरेक्शन अमंग द मेजर पावर्स आर लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक टर्न इन द रीजन। तो अभी यहाँ पर जो वेस्ट एशियन रीजन है, उनके बारे में बात की जा रही है स्पेशली कि कैसे उनके जो टाई अप्स थे पहले वो खराब हो चुके थे, तो अभी दोबारा से वो जुड़ने शुरू हो गए। तो यहाँ पर यूएस का क्या रोल है, तो अभी रिसेंटली क्या क्या यहाँ पर बातें, इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं इस रीजन में, तो उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो अभी बात की जा रही है कि जो सबसे ड्रामेटिक इंट्रैक्शन देखने को मिल रही है ना, तो वो देखने को मिल रही है जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया और जो दूसरे और जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं, उन दोनों के बीच में। तो देखो, अगर ईरान और सऊदी अरेबिया की बात करो ना, तो दोनों का टसल काफी पुराना है। मतलब ऐसा टसल है कि ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ओके। तो ईरान और अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो क्यों, क्योंकि ईरान सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहां पर जो है इस्लाम शुरू हुआ, और यहाँ पर जो लोग हज करने जाते हैं, सारा सारे लोग वहीं पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ही ना, जिस यहाँ पर ट्रेडिशन को यह फॉलो करते हैं, वो सुन्नी ट्रेडिशन है। इस्लाम में ही दो ट्रेडिशन है, एक होता है सुन्नी, दूसरा होता है शिया। जो ईरान वाले लोग हैं वो शिया वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर दूसरे जो बाकी जितने भी दुनिया है, वो सभी जो है सुन्नी वाला कंसेप्ट जो है उसको फॉलो करके चलती है। ओके, सुन्नी में सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, जो शिया वाले हैं वो यहाँ पर जो पैगंबर हैं उनके जो फर्दर आगे आए थे, उनको भी मानते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मतभेद है दोनों में। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात करें कि सबसे ड्रामेटिक इंट्रैक्शन उन्हीं की देखने को मिलती है, कि आपस में वो इंटरेक्ट करना शुरू हो गए। तो अभी उनकी एक मीटिंग की बात करें कि यहाँ पर जो 9 अप्रैल को यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर पहला एक ऐसा यहाँ पर जो है डिप्लोमेटिक टाई इनमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि टूट चुका था जनवरी 2016 को। तो अभी दोबारा 2021 की बात करें कि दोबारा से टाई जुड़ने शुरू हुए। दूसरा यहाँ पर बात करें कि अभी इसी साल की शुरुआत में यहाँ पर अगर बात करें कतर की, तो इसके ऊपर भी ना पाबंदी लगाई हुई थी यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ब्लॉकेट कतर के ऊपर लगा दिया था कि जितने भी यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश हैं, वो इसके साथ कोई भी, कतर के साथ कोई भी टाई अप नहीं रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, इजिप्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर ब्लॉकेट्स क्यों लगाई गई, इसलिए लगाई गई क्योंकि कतर जो था ना, वो ईरान के साथ यहाँ पर कोई डील करने के लिए तैयार हो गया था। तो ईरान जो है, मैंने पहले बात बोली, ईरान और यहाँ पर सऊदी अरेबिया एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो सऊदी अरेबिया को ये लगा कि कतर जो है दूसरी वाली साइड जा रहा है उनके पास, तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको जो जीसीसी था, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो उससे भी हटा दिया था, ओके, कतर को। तो इस तरीके से यहाँ पर सैंक्शन इसके ऊपर सऊदी अरेबिया के द्वारा लगाए गए थे।
और आगे यहाँ पर बात करें कि इसी के साथ यहाँ पर यूएई भी था, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट कहते हैं, दुबई जिसको आप कहते हो, यहाँ पर ही है वो शहर, बहरीन आ गए, ये सभी आसपास के ही मुल्क है। इजिप्ट यहाँ पर थोड़ा सा दूर है, दोहा कतर, दोहा जो है वो कतर की कैपिटल है, तो दोहा कतर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो अभी बात करें, इसने भी यहाँ पर एफर्ट्स लगाए कि मतलब जो टाइज है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में वो सही हो सके। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर अपने जितने भी पोलिटिकल अलाय हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर यूज किया, अलग ऐसे ही इनिशिएटिव इसके द्वारा लिए गए, जिसके चलते यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 मई की बात कर रहे हैं कि टर्की और इजिप्ट में भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहली बार एक डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई कैरो में। कैरो क्या है, कैरो यहाँ पर कैपिटल है इजिप्ट की। तो ये इनके जो डिप्लोमेटिक टाइज थे ये टूट चुके थे 2013 में, तो अभी 2021 में दोबारा से वो उभरने शुरू हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर टर्की और इजिप्ट की बात की जा रही है, लेकिन इन सबके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो इनके पीछे है वो यहाँ पर है कि जो अभी हाल ही में जो यहाँ पर एंगेजमेंट्स देखने को मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है यूएस में। ओके, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ओके, तो पहले डोनाल्ड ट्रंप का रूल था, वो कुछ और तरीके से काम करते थे, बाइडन जो है ना वो थोड़ी कुछ और तरीके से काम करते हैं, तो इनकी पॉलिसी ज्यादातर लिबरल रहती है। ओके, तो अभी पहले जो 100 दिन इनको हो चुके हैं अपने ऑफिस में आए हुए, तो यहाँ पर 20 जनवरी को इन्होंने यहाँ पर अपना ऑफिस ज्वाइन किया था प्रेसिडेंट का, और ये अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिका के सबसे एज्ड प्रेसिडेंट है, मतलब सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट, जिनकी उम्र जो है अभी 78 ईयर्स की है। तो यहाँ पर तभी मिस्टर बाइडेन ने यहाँ पर सिग्नल दिया है कि यहाँ पर एक फ्रेश अप्रोच जो है उनके द्वारा लगाई जाएगी टू वेस्ट एशियन अफेयर्स, मतलब वेस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जीसीसी मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 मेंबर स्टेट्स हैं, तो ये उनके यहाँ पर मैप है। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा यहाँ पर जो पार्टनर है वो सऊदी अरेबिया खुद है। ओके, तो इसके अलावा ये यहाँ पर जो है कतर है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, दोहा कतर, ये यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है इधर बहरीन का। ओके, तो ये भी देश है। इसके अलावा यहाँ पर आता है कुवैत। ओके, तो इसके बाद ये है 5वें नंबर पे, ये वाला ओमान। ओके, और ये 6ठे नंबर पे आता है यूएई, तो इधर ही आता है गल्फ ऑफ एडन। ओके, तो उसको भी याद रखें, तो इस वाली साइड ये सादा, ये सारा का सारा अरेबियन सी इसको बोलते हैं, और ये यमन है। ये हालांकि इसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाती है कि ये भी जो है जीसीसी का मेंबर है, लेकिन ये मेंबर नहीं है, इसको याद रखें। ओके, तो ये कुल मिलाकर 6 मेंबर हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सऊदी अरेबिया इस साइड से यहाँ पर रेड सी को बॉर्डर टच करता है। ओके, तो यही वाला रास्ता है जो स्यूज कनाल वाला है। ओके, तो यही आगे जाके मेडिटेरियन सी की ओर चला जाता है, और ज्यादातर यहाँ पर जितना व्यापार होता है इसी रूट से होता है, रेड सी के थ्रू अंदर जाते हैं और बाद में सूज कनाल के थ्रू आगे मेडिटेरियन सी में जुड़ते हैं, फिर टर्की, यहाँ पर पूरा यूरोप जो है ना उसका रास्ता खुल जाता है, तो किसी भी देश में आप जो है ट्रेड कर सकते हो जाकर। ओके, तो इसके साथ जो है यहाँ पर जैसे ये इसराइल है जहां पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, इसराइल है, इसके साथ ये जॉर्डन है, ये छोटा सा जो एरिया है वेस्ट बैंक का फलस्तीन का एरिया है, ये गाजा पट्टी है इधर वाला भी, ये भी फलस्तीन का एरिया है, इस वाली साइड मेडिटेरेनियन सी आ गया। तो अभी यहाँ पर इसी गाजा पट्टी वाली साइड पे ही यहाँ पर युद्ध चल रहा है इसराइल का। ओके, तो आगे इस साइड पे इराक आ गया, जिसको कि सऊदी अरेबिया का बॉर्डर लगता है, तो ये इस साइड आता है ईरान। ओके, जो कि यहाँ पर राइवल है एक तरीके से सऊदी अरेबिया का। और अगर बात करें जीसीसी की, तो यहाँ पर इसको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इसको कहा जाता है, तो ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पोलिटिकल और इकोनॉमिक यहाँ पर यूनियन है, जहां पर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरात, ये सभी के सभी मुल्क जो है शामिल है। इसका हेडक्वार्टर रियाद में है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, इसको बनाया गया था 1981 में। ओके, तो अभी जो फाउंडर हैं तो उनके यहाँ पर ये नाम है जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें, जो इजिप्ट है वो भी यहाँ पर चाह रहा है कि ह्यूमन राइट्स इशू जो है उसके रिगार्डिंग ये जो कंसर्न है उठाता रहता है, तो ये भी यहाँ पर रीजनल सपोर्ट चाह रहा है यहाँ पर अलग अलग मुद्दों के ऊपर, जो इसके डिफरेंसेस इथोपिया के साथ है, जैसे खास तौर पे इथोपिया और इजिप्ट। ओके, तो ये आपस में दोनों कंट्रीज हैं साथ साथ, तो यहाँ पर जिसके चलते इसके साथ जैसे हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना के साथ, तो इनके भी आपस में इश्यूज काफी रहते हैं, तो इसको भी इनका भी ये सोल्यूशन चाहता है। दूसरी ओर यूएस की बात करें, तो ये दोबारा से न्यूक्लियर एग्रीमेंट में यहाँ पर एंटर करेगा, री एंटर करेगा, जो कि यहाँ पर ईरान के साथ होना था। ओके, तो यहाँ पर ईरान की अगर बात करें, तो उसको भी कंसर्न है कि जो उसके ऊपर यहाँ पर लिमिटेशंस लगाई हुई है तो वो हटाई जाएंगी। जैसे अभी देखो, ईरान भी काफी बड़े पैमाने पर तेल प्रोड्यूस करता है, तो भारत इससे खरीदता था। ओके, भारत जो ट्रेड करता था ईरान के साथ, तो वो होता था हमारी अपनी करेंसी में, यहाँ से इंडियन करेंसी, और दूसरी ओर से जो ईरान की करेंसी है, जिसको कि हाल ही में ईरान के द्वारा बदला गया है, ईरान ने अपनी करेंसी को चेंज किया है, अभी नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है ईरान ने, उसका क्या नाम है कमेंट बॉक्स में आंसर करें।
तो अभी उन्हें आपस में जो हमारी करेंसीज है उसी में यहाँ पर बीच में ट्रेड होता था, तो हम यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते थे ईरान से। लेकिन एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट होना था यूएसए और यहाँ पर जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं प्लस वन, ओके, इन सब इस सभी यहाँ पर पार्टी से इकट्ठा थी। तो यहाँ पर ईरान के साथ ये एग्रीमेंट होना था कि जितने भी यहाँ पर आपके न्यूक्लियर आपकी यहाँ पर अरेंजमेंट वहां पर है ईरान में, उसको आपको जो है ना एक साइड पे करना होगा, ओके, मतलब आप जो है उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो इसके चलते यहाँ पर ईरान मान भी गया था, ओके। तो यहाँ पर 2015-16 की बात है जब यहाँ पर सब कुछ तय हो गया, लेकिन जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सब कुछ उथल पुथल कर दिया, सीधे बोल दिया कि हम यहाँ पर इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे ही नहीं, ओके। तो अभी दोबारा से इस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया जाएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन जो लगी हुई, तो अभी भारत जो है ना क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकता ईरान से, तो भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए कि आप नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हम मजबूर हो चुके हैं कि हम सऊदी अरेबिया से ही खरीदें या फिर आसपास के जो मुल्क है वहां से ही यहाँ पर क्रूड ऑयल हमें खरीदना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार ना यहाँ पर फोकस कर रही है कि अपने धरती पर ही ईवी व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, और इसलिए हाल ही में 18,000 करोड़ की यहाँ पर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बनाने की सबसे इंसेंटिव स्कीम है उसको लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा, ओके। तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। और आगे यहाँ पर बात करें टर्की की, तो वो भी उसको भी एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर वॉशिंगटन की ओर से मिल सकता है। तो अगर टर्किश प्रेसिडेंट की बात करें रिसेप तैयिप एर्दोगन की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पर अपने नजदीकी संबंध बनाने शुरू कर दिए रशिया के साथ, ओके। तो यहाँ पर जो यूएस के अलाइज हैं सीरिया में, जो तो अभी उनको भी थ्रेटन करना शुरू किया। तो अभी सीरिया में जब वॉर हुई थी, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एक कुर्द नाम के यहाँ पर लोग रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये बटे हुए हैं यहाँ पर सीरिया में भी, उसके आसपास की कंट्रीज में भी, तो ये भी डिमांड करते रहते हैं कि हमें कुर्दिस्तान चाहिए। तो ये कुर्द लोग यहाँ पर टर्की की जो यहाँ पर मिलिट्री है तो वहां पर भी काम करते हैं, उसकी बाउंड्री पर भी यहाँ पर है, मतलब सब जगह फैले हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें, ओके। तो अभी सीरिया में, सीरिया का भी काफी बॉर्डर टर्की के साथ लगता है, ओके, जिसके चलते यहाँ पर टर्की ने भी सीरिया में जो है हस्तक्षेप किया है। दूसरी ओर रशिया भी आता रहा है जब यहाँ पर आईएसआई इसका मतलब काफी बड़े पैमाने पर जोर रहा है, तो सीरिया की गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से बची है यहाँ पर, ओके। तो बाकी ज्यादातर सीरिया तबाही, मतलब तबाही के मंजर उसने देखा है अच्छे खासे तरीके से। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा क्लोज टाई यहाँ पर टर्किश प्रेसिडेंट का बनता जा रहा है रशिया के साथ। यहाँ पर मिस्टर बाइडन की अगर बात करें, तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में वो यहाँ पर लेस अकोमोडेटिव हो। और यहाँ पर जो अभी रिसेंटली इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है जो बाइडन के द्वारा, जिसमें उन्होंने यहाँ पर अर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर दिया है, वो तो यहाँ पर ये फ्रेश रिव्यू देखने को मिल रहा है टर्की के खिलाफ। तो टर्की के बदौलत ही यहाँ पर जो है अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था, काफी लोगों को मारा गया, तो अभी रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि ये जेनोसाइड ही हुआ था अर्मेनिया में। तो अर्मेनिया अजरबैजान दोनों में कंफ्लिक्ट रहता है, तो अभी हाल ही में युद्ध भी हुआ था एक एरिया को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। और अर्मेनिया के अगर भारत के साथ कंटेक्ट की बात करें, तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं अर्मेनिया के। तो ये यहाँ पर इजिप्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करें, यहाँ पर कोई बॉर्डर इसका इथियोपिया के साथ नहीं है, वैसे इसके कंफ्लिक्ट है। तो इसका जो इजिप्ट का बॉर्डर है वो सूडान के साथ है, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं, तो ये यहाँ पर कैरो है, कैपिटल है इजिप्ट की। और इसके अलावा जो इसके साथ जो कंट्रीज यहाँ पर लैंड बाउंड्री जिनके साथ है, एक और है लीबिया और एक और है सूडान, एक और यहाँ पर रेड सी आ जाता है और दूसरी और यहाँ पर मेडिटेरियन सी आ जाता है। तो ये इस लोकेशन का थोड़ा ध्यान रखें। और ये है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो ये बहरीन है यहाँ पर, तो ये छोटा सा टापू है यहाँ पर बहरीन का। और इसके अलावा अगर बात करें, तो वहां पर टर्की की बात की जा रही है, तो इसके भी आसपास के बॉर्डर्स देखें, ये टर्की है, ओके। इसी यहाँ पर मेडिटेरियन सी में आगे जाएंगे तो साइप्रस आता है, तो इसके भी नॉर्दर्न हिस्से के ऊपर ये देखोगे यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन आपको नजर आएगी, नॉर्दर्न हिस्से के ऊपर टर्की का कब्जा है, ओके। तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट है साइप्रस के ऊपर, ओके, तो ये भी ध्यान रखें। और इसके अलावा इसके टर्की के आसपास यहाँ पर जो है एगियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऊपर वाली साइड जो है ब्लैक सी देखने को मिलेगा, ओके। जो यहाँ पर कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है वो सीरिया है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की कुर्द लोग जो है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पर रीजन है कुर्द लोगों का, ओके। तो यहाँ पर बटे हुए हैं यहाँ पर लोग काफी दूर दूर तक। और इसके अलावा ये है अर्मेनिया का बॉर्डर जो कि टर्की के साथ लगता है, तो यहाँ पर टर्की के द्वारा काफी लोगों को मारा गया था अर्मेनिया में, जिसको कि एक जेनोसाइड हुआ था, जिसको कि हाल ही में यूएस ने रिकॉग्नाइज किया। तो अगर कोई भी ऐसा जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया जाता, तो एक तरीके से प्रेशर बन जाता है उस गवर्नमेंट के ऊपर। तो हाल ही में ये अजरबैजान है, जिन दोनों के बीच में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आपस में डिस्प्यूट हुआ था, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था,
ओके, तो ये भी एक सिचुएशन यहाँ पर जो है जियो पॉलिटिक्स की बनती हुई नजर आ रही है। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिनेरियो है यहाँ पर आपके सामने। और इसी के चलते आगे बात करें कि यहाँ पर हो सकता है कि डिफिकल्टीज हो कि रीशेप, यहाँ पर अगर सऊदी ईरान रिलेशन की बात करें, रीशेप करें या ना करें। ईरान की अगर बात करें तो यहाँ पर वो ऐसा नजर आ रहा है कि वो जो सऊदी अरेबिया की किंगडम है उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर जो है ना उनके ऊपर थोड़ा कम करे। खास तौर पर यमन की बात करें तो यमन में जैसे मैंने अभी मैप में आपको दिखाया था, तो ये यहाँ पर लोकेशन है यमन की। ओके, तो ये ना ही ये जीसीसी का मेंबर है। तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर भी ना यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है एक ओर से। यहाँ पर ईरान जो है, ये ईरान है, ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर अपने लड़ाकों को भेजा हुआ है। और दूसरी तरफ से यहाँ पर सऊदी अरेबिया को किसी के साथ बॉर्डर लगता है तो यहाँ पर ये भी डिफेंस कर रहा है। तो मतलब इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर है। तो काफी देर से ये युद्ध चल रहा है यमन में, तो यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं है। ओके, तो मतलब खास तौर पर ये जितने भी यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको देशों में मतलब इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ओके, तो एक एक करके मतलब ना ये होता रहता है, किसी कभी एक एक देश में हो गया फिर दूसरे देश में हो गया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई थी, इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ईरान हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम करे। ओके, तो यहाँ पर यमन से यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा यहाँ पर काम डाउन करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी ओर यहाँ पर इराक में हो सकता है कि यहाँ पर ईरान अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। और दूसरा यहाँ पर बात करें कि ईरान जो है ना अपनी इच्छा जता चुका है कि वो अपने आप को फ्री रखना चाहता है किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के, मतलब कि आराम से फ्रीली मैनर में आगे काम करना चाहता है। और आगे सीरिया की बात करें तो वो भी अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो बनाने की कोशिश करेगा बाकी कंट्रीज के साथ। ओके, तो अभी देखो अपनी उस कंट्री का हालात जो है बहुत खराब है। तो इस्लामिक स्टेट की बात करें ISIS की, तो यहीं से तो पनपा है। तो पहले इसी इसी देश को यहाँ पर आधे से ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। ओके, तो फिर भी यहाँ पर जो है सरकार चलती रही, तो सरकार तक जो उसकी कैपिटल थी वहां तक इतनी अप्रोच गतिविधियां नहीं देखने को मिली, लेकिन बाकी पूरा का पूरा देश तबाह हो गया। लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि अभी नए स्ट्रेटेजिक टाइज जो है उनको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब सीरिया में गृह युद्ध चढ़ा तो यहाँ पर बहुत सारे देश जो थे मतलब आए, जैसे रशिया की बात करें, टर्की की बात करें, US की बात करें, सबने यहाँ पर जो था इंटरवीन किया था इस सिचुएशन को ठीक किया जा सके। आगे बात करें यहाँ पर इंडिया के रोल की, तो यहाँ पर बात करें कि वेस्ट एशिया जो है, तो यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब कि नेगोशिएशन यहाँ पर हो सकती है उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर कोई भी आउटसाइड इंट्रूशन वो नहीं चाहते। ओके, तो यहाँ पर अगर रीजनल कंटेंशन की बात करें तो वो इंटरकनेक्टेड है। तो थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर्स के तौर पर भारत जो है यहाँ पर जितना अपने ओर से यहाँ पर इनको फैसिलिटेट कर सके, मतलब इनके आपस में इंटरेस्ट बढ़े। ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो फैसिलिटेशन कर सके, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो है मतलब सिचुएशन देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जरूरत है कि आप म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जो है आपस में वो यहाँ पर मजबूत हो, यहाँ पर ग्राउंड बने ऐसे कि यहाँ पर जो रीजनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो अरेंजमेंट है वो बढ़े। ओके, जो कि यहाँ पर अगर इकट्ठे काम करेंगे, ओके, यहाँ पर जो रीजनल और एक्सटर्नल स्टेट जो है खासतौर पर जो वेस्ट एशिया की जो इनके आसपास की बात करें, अगर इकट्ठे मिलकर काम करते तभी इनकी सिक्योरिटी जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्रूव हुई। और यहाँ पर अरेंजमेंट में यहाँ पर ऐसी प्रोविजन, यहाँ पर प्रोविजन होनी चाहिए कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं यहाँ पर रीजनल पीस बरकरार करके रखें, यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉपरेशन एनर्जी के मायने में, इकोनॉमिक के मायने में और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी इडीएस के मामले में बनाकर रखें। मतलब जो आवाजाही के संसाधन है, जो ट्रेड करेंगे तो उसको सही तरीके से सशक्त रूप से चलाएं। तो यहाँ पर अगर क्लोज टाइप के हिसाब से बात करें तो ऑल द रीजनल स्टेट्स, इंडिया इज वेल प्लेस टू बिल्ड एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड स्टेट जापान, रशिया, साउथ कोरिया टू शेप एंड परस्यू सच एन इनिशिएटिव फॉर वेस्ट एशियन पीस। मतलब सब मिलकर भी यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज को कि यहाँ पर पीस जो है ना वो बहाल रहे, यहाँ पर दंगे वगैरह जो जो पहले सिनेरियो रहा है उसे बाहर निकले अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं ये वाले एडिटोरियल की, तो इसका भी थोड़ा सा जिस्ट लेते हैं समझने की क्या यहाँ पर बात कहने की बात की जा रही होगी। तो यहाँ पर बात करें वॉक द टॉक ऑन ट्रिप्स बेबी, द गवर्नमेंट शुड ऑफर कोवैक्सीन टेक्नोलॉजी टू डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड फॉरन कॉरपोरेशन। तो अभी देखो यहाँ पर बात की जा रही ट्रिप्स के रिगार्डिंग, ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट यहाँ पर बात करता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। तो ये 1995 में हुआ था जितने भी यहाँ पर WTO मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में, कि ट्रेड करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि एक दूसरे का जो भी प्रोडक्ट व्यापार में आएगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी IPR राइट्स ना उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन करके चल रहा है। अगर किसी एक देश ने किसी प्रोडक्ट को रिसर्च करके बनाया है, उसके पेटेंट उसके पास है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा देश जिसके पास वो सामान पहुंचा उसको कॉपी करके आगे जो है ना उसको खुद खुद से बनाना शुरू कर दिया। तो इसको यहाँ पर बात ये ट्रिप्स एग्रीमेंट बनाया गया था कि जो पेटेंट्स हैं IPR राइट्स उनको प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है,
इंडिया और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट, और इनको यहाँ पर 100 से ज्यादा मुल्कों की सपोर्ट है। उन्होंने यहाँ पर WTO में गुहार लगाई है कि यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट को यहाँ पर कुछ देर के लिए टेम्परेरीली वेव ऑफ कर दिया जाए। तो वेव ऑफ यहाँ पर इसलिए किया जाए ताकि जो यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस है ना कंपनीज को, वो इशू किए जाए जिसके चलते वो वैक्सीन का निर्माण जो है बम्पर तौर पर कर सके, और जिसके कि चलते काफी देर बाद US भी इसके सपोर्ट में आया। अगर यूरोपियन यूनियन की बात कर तो ये यहाँ पर स्प्लिट हुआ यूरोपियन यूनियन में, यहाँ पर कोई कहता है कि हम सपोर्ट करते हैं बेबियर की, कोई कहता है कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ट्रिप्स यहाँ पर बेबियर तभी यहाँ पर कन्विंसिंग बनेगा जब यहाँ पर भारत सरकार जो है ना यहाँ पर अग्रेसिवली यूज करेगी सेक्शन 92 एंड सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट, वो भारत का बनाया हुआ पेटेंट एक्ट है, तो जिसके चलते यहाँ पर ये कहा जाता है कि मतलब कि कंपल्सरी लाइसेंस जो है आप जो है जितने भी पेटेंट्स के हैं वो इशू करें COVID-19 मेडिकल प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पर किसी चीज की देरी आपने नहीं करनी है, तो जिन जिन को भी यहाँ पर प्राइवेट पार्टी को लाइसेंस की जरूरत है, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उसको लाइसेंस इशू करें और उनको इजाजत दें कि वो यहाँ पर वैक्सीन निर्माण के ऊपर काम करें। तो देखो नए जितने भी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर लाइसेंस के लिए ऑर्डर देंगे, तो उनके पास पर्याप्त संसाधन तो है नहीं, ओके, मतलब फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, लेकिन फैसिलिटी है, प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं जिसके चलते वो निर्माण कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उनको लाइसेंस इशू करने की बात करें। तो अभी सेक्शन 92 यही बात कहता है, ये स्पेशल प्रोविजन है पेटेंट एक्ट के तहत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनेबल करती है कि यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस इशू करे यहाँ पर जो भी पेटेंट ड्रग है ना उनके रिगार्डिंग। अगर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो भारत में अभी ये हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पेटेंट एक्ट के तहत आप जो है जो कोवैक्सीन है जो भारत की अपनी बनाई हुई वैक्सीन है उसके IPR राइट्स खरीदें, ओके, तो यहाँ पर स्टे यहाँ पर इन्वेस्ट करें, उनको पैसा दें और बाद में खुद से लाइसेंस बांटे अलग अलग कंपनीज को, ओके, सेक्शन 92 के तहत। तो यहाँ पर सेक्शन 100 भी यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ पर जो पेटेंटेड इन्वेंशंस हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए उनको यूज किया जा सकता है, चाहे वो किसने भी यहाँ पर इन्वेंशन की हो। यहाँ पर भारत के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है, अगर भारत में कहीं किसी ने इन्वेंशन की है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो पेटेंट के ऊपर यहाँ पर टेक ओवर कर ले, लेकिन टेम्परेरीली, ओके। तो ये दोनों सेक्शंस याद रखिए, इनके रिगार्डिंग आप आंसर राइटिंग में इनको यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी इसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बनाकर। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एडिटोरियल नंबर 5 की, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हमने कुछ लेसन नहीं सीखे हैं जो स्पेनिश फ्लू आया था उससे, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, नो लर्निंग फ्रॉम स्पेनिश फ्लू। तो अभी COVID-19 की जब शुरुआत हुई थी पिछले साल, उसी की बात करें कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक इमेज शेयर की थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ पर 3 वेव्स की यहाँ पर बात की जा रही थी, जो 1918 में यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जो पैंडेमिक आया था जिसको स्पेनिश स्पेनिश फ्लू के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो हेडलाइन थी उस इमेज की, वहां पर लिखा था कि ह्यूमैनिटी शुड नेवर अलाउ ए रिपीट ऑफ द सेम मिस्टेक मेड इन 1918 इन द टाइम ऑफ COVID-19, कि जो यहाँ पर मिस्टेक्स 1918 में की गई थी ना, तो उसको दोबारा रिपीट करने के लिए हम यहाँ पर इजाजत नहीं दे सकते, तो हमारी जो ह्यूमैनिटी है दोबारा से उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो इमेज में यहाँ पर जो बात लिखी थी, तो यहाँ पर लिखा था कि मोस्ट सेवर पैंडेमिक इन हिस्ट्री वॉज द स्पेनिश फ्लू इन 1918। तो यहाँ पर ये 2 साल तक रहा था ये पूरा ये फ्लू जो चला था उस समय, जिसके चलते 3 वेव्स यहाँ पर आई थी इसकी, जो कि काफी घातक थी और 500 मिलियन से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे और 50 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी इस वायरस के चलते, इस फ्लू के चलते, और ज्यादातर यहाँ पर जो फेटेलिटीज हुई थी वो सेकेंड वेव में हुई थी, ये भी बात ध्यान रखें, ओके। तो ये बात कब की कर रहे हैं, 1918 की बात कर रहे हैं, तो उसको आप देखो कंपेयर करके देख सकते हो जो भारत में अभी सिचुएशन चल रही है। भारत में भी जितनी तेजी से यहाँ पर फेटेलिटीज हुई है, लोग मरे हैं, तो यहाँ पर सेकेंड वेव के चलते ही यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब कि जो जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है तो वहां पर जगह नहीं मिल रही है लोगों को, ओके, तो वहां पर वेटिंग लगी हुई है, ये सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। तो आप सेकेंड वेव का इम्पैक्ट देख सकते हो कितना ज्यादा है। और उसी के चलते बात करें कि अभी जो लोग हैं, तो अगर उनको कहा जाए कि उनको क्वारंटीन किया जाना है, तो उसके रिगार्डिंग काफी जो है दुर्भावना की फीलिंग आती है कि हमें एक जगह बांध दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर आपने फॉलो करके चलने हैं, तो लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ रोकथाम हमारे ऊपर लग रहा है, तो उसको वो बुरा लगता है। वो तो पहली बार ये लिफ्ट हुई जब यहाँ पर जब लॉकडाउन वगैरह लिफ्ट होना शुरू हुआ, तो उस समय यहाँ पर सिचुएशन ये बनी कि लोगों ने काफी इसका यहाँ पर एंजॉय किया, गलियों में लोग उतर आए, फिर यहाँ पर सब कुछ भूल गए कि मास्क वगैरह भी पहनना है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है। तो भारत में ये चीज हुई है, जनवरी फरवरी की अगर बात करें, दिसंबर जनवरी फरवरी की बात करें, तो ये चीज बड़े पैमाने पर देखने को मिली।
और उसके बाद यहाँ पर कुछ हफ्तों में क्या हो जाता है, सेकेंड वेव आ जाती है और यहाँ पर टेंस ऑफ मिलियंस यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही यहाँ पर सिचुएशन, अभी पूरी की पूरी ये सिचुएशन बात की जा रही है जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उस समय की। तो भारत का भी मैं साथ साथ में आपको जो कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, तो भारत में भी सेम ऐसी चीज है, कुछ भी फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर स्पेनिश फ्लू के दौरान 1918 में हुआ था और जो अभी भारत में हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट मैंने रिकॉल की है पूरी की पूरी स्पेनिश फ्लू के बारे में। ओके, जितने भी यहाँ पर मैंने सेकेंड वेव तक बात कही है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है जो लीडर्स हैं भारत की, अभी अभी भारत भारत की बात करेंगे, लीडर्स जो हैं उनको अभी देखा गया जब हाल ही में इलेक्शन गुजरे हैं कि रैलीज को वो एड्रेस करते रहे, मीटिंग्स कंडक्ट करते रहे, लेकिन खुद मास्क लगाया नहीं। जब बड़ा लीडर ही खुद मास्क नहीं लगाएगा, मतलब वो इस सिचुएशन को इस तरीके से देख रहा है कि अभी पैंडेमिक चला गया। ओके, तो लोग भी फिर ऐसे ही देखेंगे ना। तो यहाँ पर वही सिमिलर डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला जनता के ऊपर, लोगों ने भी यहाँ पर मास्क पहनना कम कर दिया। तो सभी पॉलिटिशियन यहाँ पर चाह रहे थे कि मतलब कि एवरी पॉलिटिशियन वॉन्ट्स टू विन ओवर पीपल एंड गिव दैम वॉट दे वॉन्ट, मतलब कि जो लोग चाह रहे हैं हम वही उनको दे, लोग अगर नहीं चाह रहे, लोग आजादी चाह रहे तो उनको आजादी दो, तो लॉकडाउन वगैरह मत लगाओ। तो यहाँ पर ये सिचुएशन माइंडसेट लीडर्स का भी बनना शुरू हो गया। लेकिन आगे बात करें, बट डिक्लेयरिंग विक्ट्री प्रीमेच्योरली गेव राइज टू पॉलिसीज दैट कॉज द सेकेंड वेव, इसी के चलते जो रास्ता दे दिया गया तो सेकेंड वेव यहाँ पर बम्पर तौर पर आ गई, अभी उसके ऊपर काबू पाना जो है टफ हो चुका है। तो इंडिया के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी कि जहां पर जो बाकी कंट्रीज के द्वारा मिस्टेक हुई थी इसी पेंडेमिक के दौरान, उससे सीखते और मतलब इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट वेव के बाद इतनी जल्दी इकोनॉमी को ओपन करने की इस तरीके से जरूरत नहीं थी। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सीखा। तो अभी देखो ह्यूज स्पाइक कोविड-19 के चलते यहाँ पर कोविड-19 के इन्फेक्टेड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु दर भी भारत में बढ़ती जा रही है। तो ये एक तरीके से पूरा सिनेरियो पेश किया है 1918 का भी और यहाँ पर 2021 का भी। तो भारत के साथ बिल्कुल सिचुएशन जो है ना सिमिलर मैनर में यहाँ पर मैच करती है। और अभी बात करते हैं जो आखिरी एडिटोरियल है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रायोरिटाइजिंग द राइट टू लाइफ। तो इसमें बात की जा रही है, जैसे हमने कल केरला मॉडल के बारे में पढ़ा था, तो उस लेक्चर को भी आप दोबारा से रिवाइज करें तो वहां पर बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत सारा मटेरियल फैक्ट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं जो कि हमारा फंडामेंटल राइट हमें देता है संविधान का, कि जिंदगी नहीं जानी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। तो अभी पिछले साल जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, अब से लेकर अभी बात कर रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ राज्यों को कहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को बोला है कि वो जो है ना कंपलसरी यहाँ पर बिना किसी आईडी प्रूफ के चलते यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स को जो कम्युनिटी किचन की सर्विस है वो प्रोवाइड करें। कहने का मतलब उनको खाना प्रोवाइड करना है, फूड प्रोवाइड करें जो उनको चाहिए। तो इसको यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट कंसर्न करके चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे राज्य सरकारों ने अभी भी लॉकडाउन लगाया हुआ, जिसके चलते माइग्रेंट वर्कर्स को दिक्कत आ रही है, खाना नहीं मिल रहा है खाने को। तो अभी ऐसे सरकारें जो है इस तरीके से अगर फोकस कर रही हैं तो ये अच्छी बात है। इस तरीके से हमें और यहाँ पर जो ना अलग अलग जो भी जिस तरीके से भी बात बने, हमें यहाँ पर अप्रोच लगानी चाहिए। अगर एनजीओज हैं उनको साथ में लेना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर फंडिंग सपोर्ट अच्छी खासी इनके पास हो, जो जो भी एरियाज लगे ऐसे कि जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स की कम्युनिटी पाई जा रही है, तो उसके आसपास यहाँ पर कम्युनिटी किचन की यहाँ पर अवेलेबिलिटी करा दी जाए, ताकि जो कि जो दो समय का जो खाना है वो उनको अवेलेबल होता रहे समय समय पर, जब तक यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं लॉकडाउन वगैरह ये हट रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पर पूरी सिचुएशन यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। और कल का जो एडिटोरियल है इसको भी यहाँ पर डिस्कस करें, जो मैंने केरला मॉडल के बारे में बताया था उसको डिटेल में पढ़े एक बार, कल का लेक्चर सुने, और जो यहाँ पर लास्ट इससे पहले जो लेक्चर था उस वहां पर भी मैंने अच्छे से वर्कर्स के बारे में और डिटेल में बताया है, तो उसको उस लेक्चर को भी अच्छे से आप सुने। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो इन सभी एडिटोरियल्स के बारे में। आपकी क्या राय है, आपको कैसे लगे लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, सपोर्ट जरूर दें, इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करें जहां पर भी आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके, तो हर हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।